नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का मेरे इस चैनल के ऊपर जनरल स्टडीज फॉर सिविल सर्विस, और स्वागत है आप लोग का मेरे इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, हम लोग करने जा रहे हैं डेली करंट अफेयर एमसीक्यू, जो कि 23 सितंबर के लिए है, ठीक है। तो इस चीज को याद रखिएगा। और ये जो मोस्ट प्रोबेबल जो टॉपिक होते हैं या करंट अफेयर एमसीक्यू होता है किसी भी एग्जाम के लिए, बस उसी को मैं कवर करता हूँ, ठीक है। और इसमें क्या होता है, कुछ क्वेश्चन को जो है मैं बेसिक कुछ यानी कि पिछले एक दो दिन का होना चाहिए, ताकि रिवीजन भी होता रहे, कुछ नया यानी सारे चीजों का मिक्सअप होता है। तो आप लोग प्लीज देखिएगा, और जरूर आने वाले 3 से 4 या 5-6 महीने के एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे जरूर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीधा पहले प्रश्नों के साथ। तो पहला प्रश्न है कि गृह मंत्रालय ने किस सरकारी संस्था के साथ आपातकालीन स्थिति के लिए एक अत्याधुनिक समेकित नियंत्रण कक्ष की स्थापना हेतु एक समझौता ज्ञापन पर जो है हस्ताक्षर किया है। पहला व्हील, दूसरा इसरो, तीसरा इंडियन ऑयल, चौथा डीआरडीओ। आंसर क्या है दोस्तों, इसका आंसर है आपका बी, इसरो, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा जरूर। अगला प्रश्न है, गृह मंत्रालय ने हाल ही में महिला सुरक्षा के लिए कितने पोर्टल लॉन्च करने की घोषणा की है। ए 2, उसके बाद बी 3, सी 4 और डी 5। आंसर क्या है आपका ए 2, ठीक है। आंसर क्या है ए 2, आंसर है ए, बाय मिस्टेक ही हो गया, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार पूरी दुनिया में पिछले वर्ष 1 करोड़ लोग टीबी से पीड़ित हुए, जिनमें कितने लोग भारत से हैं। तो भारत में कितने लोग हैं, ए 54%, बी 42%, सी 37% एंड डी 27%। आंसर क्या है दोस्तों, आंसर क्या है, इसका आंसर है आपका डी 27%, आंसर है डी 27%। अगला प्रश्न है, उत्तर कोरिया के सर्वोच्च नेता किम जोंग उन और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे ने हाल ही में किस पर्वत पर मुलाकात की। पहला माउंट आबू, माउंट आबू तो इंडिया में हो ही नहीं सकता, माउंट पेक्टू, उसके बाद माउंट ड्रेविल, उसके बाद माउंट जॉर्ज। आंसर क्या है माउंट पेक्टू, आंसर क्या है दोस्तों माउंट पेक्टू, इसका आंसर है बी। अगला प्रश्न है यहाँ पर दोस्तों आप लोग के सामने कि चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे में कौन सा देश तीसरे रणनीतिक साझेदार के रूप में सम्मिलित होने जा रहा है। पहला ईरान, दूसरा अमेरिका और तीसरा कुवैत, चौथा सऊदी अरब। आंसर क्या है दोस्तों इसका, तो इसका आंसर है आपका सऊदी अरब, आंसर क्या है सऊदी अरब। अगला प्रश्न है यहाँ पर दोस्तों आप लोग के सामने कि भारत में किस स्थान पर पहली बार जो हींग का पौधा उगाने में सफलता हासिल हुई है। तो हींग का पौधा उगाने में सफलता कहाँ पे हासिल हुई है, किन्नूर जो है हिमाचल प्रदेश में, कहाँ पे, किन्नूर हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। अब अगला प्रश्न है, किस देश के राष्ट्रपति ट्रान दई क्वांग का 21 सितंबर 2018 को लंबी बीमारी के बाद 61 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो आंसर क्या है ए वियतनाम, आंसर क्या है दोस्तों ए वियतनाम, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर आप लोग के सामने कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी की एक रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2005-06 से 2015-16 के बीच किस देश में 27.1 करोड़ लोग गरीबी से उभरे हैं। पहला नेपाल, दूसरा चीन, तीसरा भारत, चौथा है आपका पाकिस्तान। आंसर क्या है सी भारत, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और एक चीज जो हमारे भारत में जो सिर्फ 28% गरीबी जो है रह गई है। अगला है, किस भारतीय अभिनेत्री को 34वें प्रियदर्शनी एकेडमी ग्लोबल अवार्ड्स के दौरान स्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया, हमने पीछे भी किया हुआ है। आंसर क्या है इसका बी, अनुष्का शर्मा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सभी विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा संस्थानों को कितने सितंबर को सर्जिकल स्ट्राइक दिवस का आयोजन करने के आदेश दिए हैं। इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये बहुत सारे न्यूज में रहा, तो आंसर क्या है 29 सितंबर, आंसर क्या है दोस्तों 29 सितंबर को, ठीक है, आंसर है इसका डी। अगला प्रश्न है यहाँ पर आप लोग के सामने कि कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने निम्न में से किसे सरकारी विमानन कंपनी एयर इंडिया में गैर आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक बनाने को मंजूरी दी है। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों, इसका आंसर है आपका डी पुरंदेश्वरी, क्या है डी पुरंदेश्वरी, याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस देश की सरकार ने रूस से सुखोई SU-35 लड़ाकू विमान और जमीन से हवा में मार करने वाली S-400 मिसाइलें खरीदने के लिए चीनी सेना की एक इकाई पर कड़े प्रतिबंध लगाए हैं। पाकिस्तान की सरकार, दूसरा अमेरिकी सरकार, तीसरा नेपाल सरकार, चौथा बांग्लादेश की सरकार। आंसर क्या है बी अमेरिकी सरकार, आंसर क्या है दोस्तों बी अमेरिकी सरकार, ठीक है। तो अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर आप लोग के सामने कि 23 सितंबर 2018 को प्रधानमंत्री ने जन आरोग्य योजना कहाँ से शुरू की जाएगी।
पहला झारसुगुड़ा, रांची, हिसार, आरा, आंसर क्या है बी रांची। ठीक है, अब अपने अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं दोस्तों। तो अगला प्रश्न है यहाँ पर आप लोग के सामने कि 22 सितंबर 2018 को भारत की पहली कोयले गैसिफिकेशन आधारित उर्वरक इकाई के लिए प्लांट का अनावरण कहाँ किया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है तालचेर, इसका आंसर क्या है आपका बी तालचेर। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा जरूर। अगला प्रश्न है 2 अक्टूबर 2018 को आयोजित अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की पहली आम सभा कहाँ होगी, नई दिल्ली में, कहाँ पे नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है यहाँ पर 21 सितंबर 2018 को किस देश के राष्ट्रपति त्रान दाई क्वांग का निधन हो गया, हमने ऊपर भी किया है, आंसर क्या है इसका वियतनाम। उसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पर सितंबर 2018 को किस राज्य सरकार ने नीला कोरंजी पौधों की सुरक्षा के लिए एक नोबल योजना की घोषणा की, आंसर क्या है इसका तमिलनाडु, आंसर क्या है तमिलनाडु। अगला प्रश्न है 21 सितंबर को मनाए गए अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस 2018 का विषय क्या था, हमने पीछे भी किया हुआ है, क्या था दोस्तों ये आपको बताना है, चलिए बताइए क्या इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या है बी शांति का अधिकार 70 पर मानवाधिकारों की सार्वभौमिक जो है सार्वभौमिक घोषणा, तो इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, अब अपने अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। तो अगला प्रश्न है 2018 वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक हाल ही में जारी किया गया था, इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला 2018 में या 2018 के रिपोर्ट ने 105 देशों के लिए डेटा प्रदान किया। दूसरा, गरीबी में रहने वाले सभी लोगों में से आधे 18 साल से कम उम्र के हैं। तीसरा, 2005 से 6 और 2015 से 16 के बीच भारत में गरीबी दर लगभग आधी हो गई है। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों, इसमें से विकल्प चुनना है, इसका आंसर होगा आपका डी, आंसर याद रखिएगा इसका डी। सारे के सारे तीनों को तीनों जो स्टेटमेंट है एक दो और तीनों जो बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है नवंबर 2018 में महिलाओं की मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की जाएगी, तो कहाँ आयोजित की जाएगी, इसका आंसर क्या है भारत में, कहाँ पर दोस्तों, इसका आंसर आपका भारत में। ठीक है, और ये जो है आपका किसने जानकारी दिया, अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ ने 21 सितंबर को ये जानकारी दी कि जो है विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा और इसका आयोजन 15 से 24 नवंबर 2018 के बीच किया जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि आपातकालीन प्रतिक्रिया जो है आपका ICRER के लिए एकीकृत नियंत्रण कक्ष जो गृह आपदा को राष्ट्रीय आपदा के दौरान वास्तविक समय की जानकारी प्राप्त करने में सक्षम करेगा, निम्नलिखित में से किस इकाई द्वारा बनाया जा रहा है, हमने ऊपर भी किया, आंसर क्या है इसका इसरो। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पर निम्नलिखित भारतीय मिसाइलों में से किसे इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल माना जाता है, तो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कौन सा है आपका अग्नि 6, और अग्नि 6 जो है आपका भारतीय सशस्त्र बलों सामरिक बल कमांड के उपयोग के लिए DRDO द्वारा विकसित एक अंतर महाद्वीपीय यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, तो इसका आंसर क्या हो गया डी। अगला प्रश्न है यहाँ पर गृह मंत्रालय ने आपत्तिजनक ऑनलाइन सामग्री पर नागरिकों से शिकायत प्राप्त करने के लिए, ठीक है, एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है, तो उस वेबसाइट का नाम क्या है cybercrime.gov.in, आंसर क्या है इसका डी cybercrime.gov.in। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों ये कि यौन अपराधियों जो कि आपका है NDAC, ठीक है, पर राष्ट्रीय डाटाबेस यौन अपराधों का एक केंद्रीय डाटाबेस बनाया जाएगा, तो NDAC के बारे में कौन सा बयान सही है बताइए, यह NCERT द्वारा तैयार किया जाएगा, बिल्कुल सही, सॉरी दूसरा डेटाबेस का जो है डेटाबेस कानून प्रवर्तन एजेंसी और आम जनता के लिए सुलभ है, नहीं ऐसा कानून सिर्फ और सिर्फ अमेरिका में जो है आम जनता के लिए सुलभ है, बाकी 9 देशों 8 देशों में नहीं होगा। ठीक है, या नहीं है, डेटाबेस में बलात्कार गिरोह बलात्कार इत्यादि आरोप में दोषी अपराधियों को शामिल किया जाएगा, बिल्कुल सही, तो आंसर क्या होगा आपका 1 और 3। ठीक है, आंसर क्या है इसका 1 और 3। ठीक है, तो याद रखिएगा पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है। ठीक है दोस्तों, तो धन्यवाद, हम लोग फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तो आप लोग प्लीज आप लोग को करना क्या है, आप लोग को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो आप लोग को क्या करना है, कमेंट करके पूछना भी है। और हाँ, एक चीज और मैं आप लोग को बता दूं, जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स होते हैं उसका महत्व क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा होता है, मतलब कि आपको देखिएगा कोई भी जो एग्जाम होता है उसमें आपका 20-25% जो होते हैं करंट अफेयर्स होते हैं, और 10 आप 22-25 या 30% के लगभग प्रीवियस ईयर होता है, जिसका दो
चीज जितना स्ट्रांग होता है वो उस एग्जाम को उतने अच्छे से निकाल सकता है ना। तो इस चीज को याद रखिएगा जरूर। ठीक है दोस्तों, तो धन्यवाद, फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो में।